हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू अर यूट्यूब चैनल अरियन फार्मसी लर्निंग सेंटर इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिंपेथोमेटिक एजेंट वी कैन कॉल इट एज अइडियोलॉजिक ड्रग्स ठीक है हमने क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था कि देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ दिस सिंपैथोमेटिक एजेंट फर्स्ट वन इज व डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट सेकंड वन इज इंडरेक्ट एक्टिंग एजेंट एंड थर्ड वन इज़ अ मिक्स एक्टिंग एजेंट सो इन टुडेज वीडियो वी आर फोकस्ड ऑन द डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट हम डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और इसका मोड ऑफ एक्शन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट एंड मिक्स एक्टिंग एजेंट सो लेट्स फॉरवर्ड विद दिस डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट इन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट और एडिनॉजिक ड्रग्स दिज बीटा फिनिल इथिलामाइन जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बीटा फिनिल इथिलामाइन वी कैन कंसिडर इट एज अ पेरेंट स्ट्रक्चर हम इसको क्या बोलते हैं वी कैन कंसिडर इट एज अ पेरेंट स्ट्रक्चर और हमें जो इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो पढ़ना है ये हमें तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है इस स्ट्रक्चर को हमें तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है जैसे कि पहला पार्ट हम करेंगे कि दिस अमाइनो ग्रुप और वी कैन के कॉल्ड इट एज अ नाइट्रोजन आइटम तो हम पहले इस सब्सटूशन uh, uh, क्या क्या कर सकते हैं इस नाइट्रोजन आइटम पर वो डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे सब्सटूशन ऑन कार्बन साइड चेंज यहाँ पे जो आपको इतना साइड चेंज जो दिख रहा है अल्फाइन बीटा जो दिख रहा है आपको ओके तो आप यहाँ पे क्या क्या सब्सटूशन कर सकते हो वो हम सेकेंड uh, पॉइंट में डिस्कस करेंगे और थर्ड में थर्ड पॉइंट uh, में आएंगे हम सब्सटूशन ऑन फिनील रिंग तो ऐसे तीन पार्ट्स में हमें स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है ड्रग्स का वो डिस्कस करना है. आप जब स्ट्रक्चर देखते हो जनरली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी आपको आइसू प्रोटीन uh, का स्ट्रक्चर आइसू का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है कि दिस नाइट्रोजन आइटम इज कॉमन दिस इथिलीन ब्रिज और व्हाट वी, वी कैन से दैट इथिलीन ग्रुप इज कॉमन एंड दिन दिस फिनल रिंग इज कॉमन और इसके अलावा यहाँ पे क्या है फिर सब्सटूशन है सो so, इसको हम जनरल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि ऐसा हमें जनरल स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है और इसके ऊपर क्या करना है अपने को सब्सटूशन करना है सो so, यहाँ पे जो आपको अल्फ़ा एंड बीटा दिख रहे हैं दिज आर द अल्फा एंड बीटा कार्बन आइटम अल्फ़ा कार्बन आइटम एंड बीटा कार्बन आइटम ये आपको जब हम इथिलिन साइड चेन पढ़ेंगे तब आपको इसमें ज़्यादातर समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा क्यों लिया तो पहले हम देखेंगे सब्सिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन आइटम देखिए सब्सिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन आइटम पे पहला पॉइंट क्या आता है कि प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप इन आ, दिस फिनिल इथिलामाइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट आइगो आइगोनिस्टिक एक्टिविटी यहाँ पर जो आपको नाइट्रोजन आइटम जो दिख रहा है यहाँ पर यह अमाइनो ग्रुप जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस स्ट्रक्चर बीटा बिटाफिनिल इथिलामाइन के स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एक्टिंग एक्टिविटी के लिए अगर आपको डायरेक्ट आइगोनिस्ट एक्टिविटी चाहिए एड्रेनालिन जैसी तो आपको ये जो नाइट्रोजन आइटम है या अमाइनो ग्रुप है इट इज़ इम्पॉर्टेंट अभी सेकेंड uh, पॉइंट के अंदर हमें डिस्कस करेंगे कि द अमाइनो ग्रुप जो भी है इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस एरोमेटिक रिंग जो अमाइनो ग्रुप है ये एरोमेटिक रिंग से क्या होना चाहिए सेपरेट होना चाहिए मतलब इसके अंदर डायरेक्टली वहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए और सेपरेट भी कैसा होना चाहिए इट इज सेपरेटेड बाय दिस टू कार्बन आइटम्स फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी ठीक है यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इथिल इथिलीन ब्रिज इथिली यहाँ पे हम बता सकते हैं इथिलीन ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो इसमें क्या है कि जो एरोमेटिक रिंग है या जो भी फिनेल रिंग है अपना वो और ये अमाइनो ग्रुप इट शुड बी सेपरेटेड बाय दिस टू कार्बन आइटम्स एक क्या होना चाहिए दो कार्बन आइटम से क्या होना चाहिए सेपरेट होना चाहिए आप डायरेक्टली ये एन एच टू ग्रुप यहाँ पे फिनेल रिंग को नहीं लगा सकते उसके बाद में थर्ड पॉइंट में हम जाएंगे कि अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन अगर है तो दीज आर मोर पोटेंट एज अ डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट देन टर्चरी और कॉटनरी अमाइंस ये जो प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन अगर यहाँ पे है प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन अगर यहाँ पे है देन इट इज़ मोर पोटेंट वो क्या रहेंगे ज़्यादा पोटेंट रहेंगे एज कम्पेयर टू टर्चरी एंड कॉटनरी नाइट्रोजन आइटम अगर ये टर्चरी या कॉर्टनरी नाइट्रोजन अगर यहाँ पे रहता है तो ये थोड़ा कम पोटेंट रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रोजन आइटम सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑन दिस सब्सिट्यूशन ऑन दिस नाइट्रोजन आइटम फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि जैसे बल्कि ने नाइट्रोजन सब्सिट्यूशन का इंक्रीज करेंगे एज द बल्क ऑफ द नाइट्रोजन सब्सटूशन इज इंक्रीजेस अगर यहाँ पे नाइट्रोजन सब्सटूशन के ऊपर हम जैसे जैसे बल्क इंक्रीज करते जाएंगे देन अल्फ़ा रिसेप्टर एगोनिस्टिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी क्या होगा उससे जो अल्फ़ा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी वो डिक्रीज डिक्रीज होगी और बेटा रिसेप्टार एगोनिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज होगी जैसे अभी यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं ओके पहले स्ट्रक्चर में दिख रहा है आइसो प्रोटीलिनॉल और उसको हम बोलते हैं आइसोप्रिनलिन और सेकंड स्ट्रक्चर है अपना टर्ब्यूटालिन देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन आइटम है यहाँ पे आ, इन दिस आइसो प्रोटिनोल एंड टर् टर् ब्यूटालिन यहाँ पे बल्किनेस ज़्यादा है ओके तो देखिए यहाँ पे बल्किनेस ज़्यादा है यहाँ पे भी बल्किनेस ज़्यादा है तो एक जो कंपाउंड है ओके दीज आर मोर पोटेंट अगेंस्ट बीटा वन और बीटा टू एगोनिस्ट और हम उसको बोल सकते हैं कि दीज आर स्पेसिफिकली बाइंडर बिकॉज देर इज बल्कि जनरल पॉइंट रिगार्डिंग दिस नाइट्रोजन आइटम द नेक्स्ट पॉइंट ऑन दिस सब्सिट्यूशन ऑफ दिस नाइट्रोजन आइटम इज दैट कि अगर यहाँ पे टर्चरी ब्यूटिल ग्रुप अगर हम लगाते हैं ऑन नाइट्रोजन आइटम यहाँ पे अगर हम टर्चरी ब्यूटिल ग्रुप अगर लगाते हैं ऑन दिस नाइट्रोजन आइटम तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कंपाउंड अपने को मिलेगा विच इज़ मोर एक्टिविटी अगेंस्ट बीटा टू सिलेक्टिविटी मतलब जो बीटा टू रिसेप्टर है रिसेप्टर का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड uh, किया है तो आप देख सकते हो कि जो बीटा टू रिसेप्टर है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीटा रिसेप्टर बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री तो उसमें से अगर यहाँ पे अगर टर्चरी ब्यूटिल ग्रुप अगर यहाँ पे अगर अपना है ऑन दिस नाइट्रोजन आइटम देन इट इनहान्सेज द एक्टिविटी अगेंस्ट दिस बीटा टू रिसेप्टर बीटा टू रिसेप्टर के पास अपनी एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी ठीक है जैसे टर्ब्यूटलिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंड द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस सब्सिट्यूशन ऑन दिस नाइट्रोजन आइटम इज दैट कि अगर लार्स लार्ज सब्सटूशन अगर हम करेंगे ऑन दिस अमाइनो ग्रुप अल्सो प्रोटेक्ट द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डिओमाइनेशन बाय माओ देखिए हमने देखा था कि माओ uh, जो है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेट्स तो इसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है तो अगर हम लार्ज सब्सटूशन अगर यहाँ पे करेंगे ऑन दिस अमाइनो ग्रुप तो यहाँ पे प्रोटेक्शन अपने को मिलेगा अमाइनो ग्रुप का क्या होगा वहाँ पे प्रोटेक्शन होगा फ्रॉम दिस ऑक्सीडेटिव डिएमाइनेशन ऑक्सीडेटिव डिमाइनेशन से क्या होगा इसका प्रोटेक्शन होगा जो मोलिक्यूल अपना आएगा दिस मोलिक्यूल इज नॉट प्रोम टू और नॉट अंडर गोज अंडर ऑक्सीडेटिव डिओमाइनेशन उसका ऑक्सीडेटिव डिओमाइनेशन नहीं होगा ओके सो दिज आर द बेनिफिट्स दिज आर द पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस एडिनर्जिक ड्रग्स रिलेटेड टू दिस सब्सटूशन ऑन दिस नाइट्रोजन आइटम हमने यहाँ पे छः पॉइंट जो है अलग अलग वो डिस्कस किए हम थोड़ा आगे जाते हैं जो सेकंड अपना पार्ट है कि जो कार्बन साइड चेन है ठीक okay? है उसके ऊपर हम आ, क्या सब्सट्रूशन कर सकते हैं तो वो हम यहाँ पे आ, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर पहला पॉइंट ऐसा है यहाँ पे हमें क्या है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो ग्रुप है ये यह अपने यहाँ पे है तो इसके अंदर कैसा है कि अगर मिथिल और इथिल सब्सट्र्यूशन अगर हम करेंगे ऑन दिस अल्फ़ा कार्बन आइटम अगर यहाँ पे हम मिथिल uh, या इथिल ग्रुप का सब्सिटूशन करेंगे ऑन दिस अल्फा कार्बन आइटम ऑफ दिस इथिलामाइन साइड चेन तो यहाँ पे जो डायरेक्ट रिसेप्टर एक्टिविटी है या डायरेक्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी वो क्या होगी कम होगी एट बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर दोनों के लिए देखिए समझने की कोशिश करिए कि अगर यहाँ पे अगर अल्फा ग्रुप uh, के ऊपर या अल्फ़ा कार्बन आइटम के ऊपर अगर आपने मिथिल या इथिल का सब्सटूशन अगर किया तो दिस कंपाउंड जनरली रिड्यूसेस द डायरेक्ट रिसेप्टर एक्टिविटी okay, और डायरेक्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट दिस बोथ रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ओके अल्फा और बीटा रिसेप्टर के अगेंस्ट एक्टिविटी क्या होगी रेड्यूस होगी अगर यहाँ पर आप मिथिल uh, और इथिल ग्रुप अटैच करेंगे सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर क्या है कि जब अब, जब हम अल्फा अल्थिल ग्रुप अगर यहाँ पर अटैच करेंगे तो इट जनरली इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये क्या इंक्रीज़ करेगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज करेगा ऑफ दिस बीटा फिनेल इथिलामाइन एगोनिस्ट एंड uh, यहाँ पे क्या होगा जो कंपाउंड अपने को मिलेंगे ये कंपाउंड मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन जो होता है बाय दिस मोनोमाइनो एंजाइम से या माओ से uh, जो भी वहाँ पे uh, अपना ऑक्सीडेशन होने वाला है या म, uh, जो जिसको हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिक डियामाइनेशन जो होने वाला है वो यहाँ पे नहीं होगा मतलब यहाँ पे अपना uh, कंपाउंड क्या रहेगा प्रोटेक्ट रहेगा बाय दिस मेटाबुलिक डियामाइनेशन बाय दिस माओ सो दिस दिस आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस कार्बन साइड चेन द थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस सब्सटूशन ऑन दिस फिनेल रिंग अभी हमें यह फिनेल रिंग जो है यहाँ पे सब्सटूशन देखना है देखिये यहाँ पे मेटा पैरा और मेटा पोजिशन यहाँ पे अपने को दिख रहा है तो उसके बारे में हम जनरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे ओवरऑल नोट जो है वो भी यहाँ पे दी है देखिए जैसे नेचुरली ऑकरिंग जो नॉन एडलिन इस स्ट्रक्चर में नॉनप्रिन इज नथिंग बट यो नॉन एडिंग कि यहाँ पे जो दिख रहा है कि थ्री फोर्थ डायहाइड्रोक्सिप रिंग जिसको हम कैटेकोल बोलते हैं पहले जो लेक्चर था हमारा उसके में हमने डिस्कस किया था दिस बायोसिंथेसिस ऑफ दिस कैटेकोल तो यहाँ पे जो कंपाउंड अपने को मिल रहा है दिस इज थ्री फोर्थ डायहाइड्रोक्सिप इंजीनिंग रिंग जनरली यहाँ पे होती है विच इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर वो अल्फ़ा रिसेप्टर को भी एक्टिव होता है और बीटा रिसेप्टर को भी एक्टिव होता है तो ये अपने को नेचुरली कौन से पोजिशन पर चाहिए तो थ्री फोर डाहाइड्रोक्सिप रिंग यहाँ पे जनरली अपने को चाहिए इन अनदर अप्रोच अगर हमने मेटाहाइड्रोक्ल जो ग्रुप है कैटेकोल स्ट्रक्चर का okay, वो अगर रिप्लेस करने की कोशिश की ऑफ द कैटेकोल विथ दिस हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्मिथिल ग्रुप सच एज जैसे सालब्यूटामोल के स्ट्रक्चर में आपको आपको दिख रहा है कि हमने ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश किए तो ये बीटा टू रिसेप्टर के साथ सिलेक्टिविटी दिखाता है किसके साथ सिलेक्टिविटी दिखाता है बीटा टू रिसेप्टर को जाके ये अच्छे से बाइंड हो सकता है अगर हमने पैरा पैराहाइड्रोक्सिक ग्रुप अगर रिमूव करने की कोशिश की फ्रॉम दिस इफिनेफ्रिन और नॉन इफिनेफ्रीन तो अपने को फिनिल निफ्रिन मिलेगा विच इज एक्टिव अगेंस्ट अल्फा वन एडेनर्जिक एगोनिस्ट अगर रिमूव किया पैरा हाइड्रोक् ग्रुप तो अपने को कौन सा एक्टिविटी मिलेगी तो अपने को अल्फा वन एडोनोजिक एक्टिविटी मिलेगी या अपना जो कंपाउंड है ये अल्फ़ा वन रिसेप्टर को अच्छे से जाके बाइंड हो सकता है लेकिन अगर हमने यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया कि मेटा मेटाहाइड्रोक् ग्रुप जो कैटेकोल का स्ट्रक्चर के अंदर जो मेटा मेटाहाइड्रोक् ग्रुप है इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैटेकॉल और ये बेन्जिन रिंग के अंदर तो यहाँ पर अगर हमने ये चेंज करने की कोशिश की तो अपने को जो कंपाउंड मिलेगा वो किसके साथ चेंज करना है अपने को हाइड्रोक् मिथिल ग्रुप के साथ तो जो कंपाउंड मिलेगा अपने को वो कंपाउंड रहेगा साल जो सालबूटामोल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप, आप, आपने क्या किया है कि अल्फा अल्फाहाइड्रोक् ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस किया है तो यहाँ पे जो कंपाउंड रहेगा वो बीटा टू रिसेप्टर के साथ ज्यादा एक्टिव रहेगा सो दिस इज द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट इतने पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो ड्रग है ये कैसे एक्ट होता है इन शॉर्ट तो मोड ऑफ एक्शन और मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट देखिए दोस्त यहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली दिख रहा है कि दिस आर द डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट तो ये क्या कैसी एक्शन दिखाएंगे बाय डायरेक्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपने एक्टिव एक्टिविटी दिखाएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने दिया है कि दिस ड्रग प्रोड्यूस देयर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाय देयर डायरेक्ट एक्शन ऑन एडिनो रिसेप्टर्स मतलब अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो है उनके ऊपर डायरेक्टली बाइंड होकर यह ड्रग अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाएंगे अभी जो मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स है या जो ड्रग्स हमने क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किए थे तो वो स्पेसिफिकली या सिलेक्टिवली अल्फाउन रिसेप्टर को भी बाइंड होते हैं या अल्फ़ा रिसेप्टर को बाइंड होते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बीटा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड uh, होते हैं इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड द फिजिको फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट रिसेप ड्रग जो भी ड्रग की प्रॉपर्टीज उसके अंदर कौन से फंक्शन ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि अल्फ़ा रिसेप्टर को जाके बाइंड होगा या बीटा रिसेप्टर को जाके बाइंड होगा सो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस मोड ऑफ एक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस सिंपेथोमामेटिक एजेंट इज डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स ठीक है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट हम अगली वीडियो में डिस्कस सॉरी इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट हम अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विद दियर मोड ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप थैंक यू फ्रेंड्स